विलन कौन है? कोई सस्पेंस है? ये सबसे बड़ा सस्पेंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। गाइस, अमेजिंग वीडियो होने वाला है, मिस मत करना। इंडियन पुलिस फोर्स सीजन 1 ऑफिशियल ट्रेलर, भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट में बताएंगे हमें ये कैसा लगा, लास्ट तक बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, प्ले द वीडियो। चलो, आज जो हुआ ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत, हमारे जज्बे पर हुआ। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं। दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। कितने साल से हो विक्रम की टीम में? यही कुछ 3 साल मैम। फिर मैंने सही सुना है तुम्हारे बारे में। आई होप अच्छा ही सुना होगा मैम। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नहीं। Why was it not on our radar? क्या हमारे पास कोई इंटेल नहीं था? मैंने और मेरी टीम ने इस केस पे रात दिन किया है। Do what it takes. I want those monsters. मैंने उसे देखा है। पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा रही है। अगर हम लोगों ने देर कर दी सर तो पता नहीं वो लोग कहाँ निकल जाएंगे। इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। I want to interrogate him. कोई जरूरत नहीं। कबीर! बच्चे को छोड़ साले। जाने दे उसको। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हैदर तो जरार नाम है उसका। कहाँ है ये? वाह! वो हमें बताना चाहता है कि दिल्ली के बाद वो कमजोर नहीं हुआ है, अब वो रुकेगा नहीं। तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। हम जो करते हैं वो हमारा काम है और हमारी फैमिली हमारा बेसिक है। ओ भाई, जम में खून किसी का भी बहे, आंसू माँ के ही बहते हैं। डोंट मेक इट पर्सनल कबीर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैम। ये लड़ाई उन सारे बेगुनाह हिंदुस्तानियों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इट इज पर्सनल एंड इट शुड बी वेरी पर्सनल। जंग की सिर्फ शुरुआत हुई, जंग जीतना भी बाकी है। Get that monster. दिल्ली का लौंडा हूं सर, उठा के ले आऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। इंडियन पुलिस फोर्स, वाओ। ऑफिसर्स, इस चेहरे को अपने जहन में बसा लो। लेट्स फाइंड दिस गोस्ट हू बॉम्ब्स। भाई टू गुड, मतलब अमेजिंग। मुझे पहले से ही पता लग गया था ये रोहित शेट्टी जी ने डायरेक्ट करी है। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं इनके BTS देख चुका हूँ। रोहित शेट्टी ने इसमें कुछ शॉट्स हैं जो खुद कैमरा पकड़ के उन्होंने शूट किए, और जैसे उन्होंने वो शूट किया ना भाई, आप मानोगे, सीन है कि एक सीन चल रहा है, ठीक है, जैसे समझ लो उनकी एंट्री है शिल्पा शेट्टी जी की, कैमरा उनके फेस के ऊपर है और सीधा उनके फेस के ऊपर से कैमरा यूं जा, मतलब फाइट कर रहे हैं यूं 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 करके, वो है पूरा कैमरा घुमाया है रोहित शेट्टी जी ने। भाई बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है ये, मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया देख के भाई। क्या मतलब, मैं तो ये बोलूँगा कि ये सीरीज़ है ना, एंड OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सब चीज़ें आ रही हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि यार इतना अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा हमें। एंड ऊपर से रोहित शेट्टी जी ने, मुझे आइडिया नहीं है कि इनका ये फर्स्ट OTT है, मेरे ख्याल से OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्स्ट सीरीज है। मैं श्योर नहीं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट है या और भी इन्होंने करें। तो हम तो इनको गोलमाल से जानते हैं, मैं तो ये बताऊंगा, गोलमाल में जैसे गोलमाल सिंगम, यस उसी की तरह जी, यस मैं वही बात कर रहा हूँ, उसी की तरह इसमें कुछ एक्शन सीन्स आए, जैसे गाड़ी, यार अगर रोहित शेट्टी हो तो गाड़ी है ना उड़े, ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए फुल टू एक्शन मूवी है, सीरीज है सॉरी, और मैं तो डेफिनेटली देखूंगा गाइस। एंड जैसे मतलब विवेक ओब्रॉय की आई थिंक ये कमबैक है, आई गेस कमबैक है। एंड मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब सारे जितने भी एक्टर्स हैं और सारे अभी OTT पे आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे यूथ, हम सब देखते हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं कि यार हाँ ठीक है, सेलफोन है, हम कहीं भी बैठे हम देख सकें, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें एंटरटेनमेंट चाहिए. सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अभी बॉलीवुड ओटीटी पे आ रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है. और सीरियसली काफी मजा आया देखने में, इतना एक्शन ये वो, इतना अच्छा लगा देखने में. और जैसे सिद्धार्थ जी का रोल है, जो करेक्टर है, शिल्पा जी का या विवेक ओबराय का, उनका सभी का करेक्टर एकदम उम्दा करेक्टर है. जैसे कह सकते हैं ना कि वो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर है. और जैसे कि हमने बात करी है कि रोहित शेट्टी जी की मूवी में कोई भी मतलब लेडी पुलिस अभी तक नहीं आई थी, तो अब ये मतलब लेडी पुलिस की नहीं, दीपिका जी का भी एक आई थिंक मूवी आ रहा है. है उनका, है उसमें लेडी पुलिस का, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज में जैसे लेडीज पुलिस का, उनकी उनकी मतलब खुद की सीरीज में है, जो रोहित शेट्टी जी हैं उनकी सीरीज में किसी लेडी को कास्ट करना, और वो भी इतनी उम्दा लेडी, और इतनी मतलब एक्शन जैसे दिखाए गए उनके, जो एक्शन सीन है उसमें वाकई मजा आ गया देख के, है ना, कि जैसे मतलब. पर ये मेरे को सबसे ज्यादा वो बात लगी कि विलन का ही फेस रिवील नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि विलन कौन है. कोई सस्पेंस ये है, सबसे बड़ा सस्पेंस है. जैसे सरप्राइज लास्ट वाला. में जो जो लड़का, मतलब यंग लड़का, नो कह सकते कि कोई मतलब बड़ा मैच्योर यंग लड़का था जिसने मास्क डाला हुआ था, आई थिंक सो ही इज द विलन. क्योंकि वो रनिंग करता हुआ कैसे मतलब सिद्धांत को देखते हुए लुक दे रहा था, और मतलब स्लो चल गया, मतलब लग उसको रहा था. एटीट्यूड दिखा रहा था कि, है ना, तो वो चीज मुझे उसको देख के मुझे ये चीज लगी कि नहीं सीरियसली कि ही इज द विलन, मतलब वो लग रहा है, लग रहा है हो कि सकता हो सकता है. है. आप बताओ नॉट श्योर. आपको कैसा लगा यस, कि कौन हो सकता है कि विलन, नहीं हो सकता. हाँ यस हो सकता है कि नहीं हो सकता. बाकी सो बहुत मजा आया यस. देखने सो गाइस मतलब हमें बहुत मजा आएगा. और सो गाइस हमें तो बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक टेक केयर, केयर, बाय बाय. और बाय. गाइस हमारी पुरानी वीडियो को भी देखो जाके, हमने कल परसों डाली है, 3-4 वीडियो इकट्ठी डाली है, उनको प्यार दो, देखो, लाइक करो. ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय. टिल देन टेक केयर.